इस वीडियोस में हम बात करने वाले हैं कि रिचार्ज को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोग सभी परेशान हैं, ठीक है। क्योंकि मैं खुद ही परेशान हूँ कि जो कि रिचार्ज यहाँ पर बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं, ठीक है। और इसी के साथ में अगर आप कोई नॉर्मल काम वगैरह करते हैं या फिर जॉब करते हैं, तो अगर आप एक मंथली का रिचार्ज करेंगे तो आपकी एक दिन की कमाई जो कि मंथली भर के रिचार्ज में चले जाएगी, ठीक है। अगर आप एक नॉर्मल रिचार्ज करते हैं तब, ठीक है। तो अब ऐसे में आखिर हमें जो कि सबसे ज़्यादा भूला बिछड़ा याद आ रहा है, जो कि सिम कार्ड वो आ रहा है BSNL का, ठीक है। ये BSNL एक ये सरकारी सिम है, ठीक है। और ये कंपनी क्यों बैठी, ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताऊँ जो कि इसके कर्मचारी लोग थे उनकी वजह से ये कंपनी बैठी और लोगों ने BSNL को छोड़ दिया पीछे, बिल्कुल एकदम हटा दिया, ठीक है। पर आज का दौर अगर आप किसी भी सोशल मीडिया पर देखो तो BSNL का हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, ठीक है, यानी कि अभी रैंक कर रहा है चारों तरफ BSNL का हैशटैग, ठीक है। पर ऐसे में अब BSNL को लोग क्यों सर्च कर रहे हैं, और इसी के साथ में BSNL के क्योंकि प्लान सस्ते हैं, ठीक है। पर अगर आप BSNL की सिम लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये पता करना होगा कि आखिर आपके जो एरिया में नेटवर्क है कि नहीं है BSNL का, ठीक है। तो उसे आप किस तरीके से पता कर सकते हैं, इसी के साथ में BI में या फिर आपका एयरटेल का सिम है या फिर वोडाफोन का सिम है तो आखिर उसके मुकाबले और BSNL में कितने कितने के प्लान्स हैं, ठीक है, वो हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने BSNL की जो सिम की एप्लीकेशन है मैंने यहाँ पर ओपन कर ली है, तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर से पहले वेरीफाई कर लूँगा, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर परमिशंस दे देता हूँ। परमिशंस देने के बाद हमारे फ़ोन में यहाँ पर ये ओपन होगी, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, वर्जन 2. कुछ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया है, प्रोसीड पे सिंपली क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर आ रहा है आर यू श्योर, ठीक है, तो हाँ हम यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश ही रहने देते हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, नंबर पर एक OTP जाएगा, वो OTP यहाँ पर ऐटोमेटो भी डिटेक्ट कर लेगा और आप यहाँ पर खुद से भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो कई बार इसने ऐटोमेटो ही डिटेक्ट कर लिया है इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बोल दिया, तो चलिए मैं यहाँ पर खुद से डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से इसे हटाएंगे और हम यहाँ पर नेक्स्ट करते जाएंगे, या फिर आप यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं, तो चलिए हम यहाँ पर स्किप कर देते हैं इसे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिवार्ड्स पर सिंपली क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इसके पॉपुलर जो कि रिचार्ज हैं, ठीक है, वो हैं अगर आप 97 रुपये में अगर आप रिचार्ज करते हैं तो 15 दिन की जो आपकी वैलिडिटी रहेगी, 2 GB आपको यहाँ पर डेली डाटा मिलेगा, ठीक है, और जो कॉल है वो आप यहाँ पर अनलिमिटेड कर सकते हैं 15 दिन तक, ठीक है। इसी के साथ में अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर आप जो कि एक मंथ वाला रिचार्ज लेते हैं जो कि एयरटेल में, तो वहाँ पर आपको लमसम पहले था वो 155 रुपये पे करने पड़ रहे थे वहाँ पर, ठीक है, और आपको 2 GB डाटा मिल गया था, ठीक है। पर आपको यहाँ पर दिया गया है जैसे कि 107 रुपये में 200 मिनट यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, जो कि आप 200 मिनट यहाँ पर बात कर सकते हैं, 200 मिनट बहुत हो जाते हैं अगर आप कोई कम बात करते हैं तब, ठीक है। इसी के साथ में आपको 3 GB डाटा मिल जाता है, ठीक है, और यहाँ पर 35 दिन की वैलिडिटी मिल जाती है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जो कि आपको यहाँ पर मिल रही है तो करीब यहाँ पर आपको 6-7 दिन की वैलिडिटी बढ़ती ही मिल रही है, ठीक है, और इसमें जो पैसे हैं वो भी आपको 50 रुपये कम मिल रहे हैं जो पहले के प्लान थे, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है 118 रुपये में जो कि 10 GB डाटा आपको मिलेगा, और इसी के साथ में आपको यहाँ पर 20 दिन की वैलिडिटी मिलेगी और लोकल STD कॉल्स मिलेगी अनलिमिटेड, ठीक है। 147 रुपये में, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 10 GB आपको डाटा मिलेगा और लोकल STD कॉल आपको अनलिमिटेड मिलेगी। इसी के साथ में आप यहाँ पर देख सकते हैं BSNL टून और डाटा और अनलिमिटेड कॉल भी मिलेगी जो कि आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको मिल रहा है जैसे कि डाटा ओनली, ठीक है, अगर आप 151 रुपये में अगर आप रिचार्ज कराते हैं तो आपको 40 GB डाटा मिलेगा जो कि इसकी वैलिडिटी होगी 30 दिन तक, ठीक है, ये पॉपुलर वाले रिचार्ज हैं अभी, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जैसे कि अगर आप 153 रुपये में कराते हैं तो आपको यहाँ पर 26 GB डाटा मिल जाता है और 26 दिन की वैलिडिटी मिल जाती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो कुछ रिचार्ज हैं वो आप यहाँ पर करा सकते हैं, ठीक है, जैसे कि अब आप यहाँ पर कुछ प्रीमियम गेमिंग्स वगैरह हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इनके बारे में और भी अधिक जान सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं यहाँ पर कराता था 200
49 वाला यहाँ पर रिचार्ज कराता था, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक मंथ तक, यानी कि वो हमें 1.5 GB देता था डाटा, पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब तो उसने 50 रुपये यहाँ पर बढ़ा दिए। ये वाला जो प्लान है, आप अगर यानी कि एयरटेल में जाएंगे, ठीक है, तो उसके अंदर आपको ये 300 रुपये के आसपास मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लोकल एसटीडी कॉल्स, और आपको 2 GB डाटा यहाँ पर मिल रहा है, वो आपको 1.5 GB डाटा दे रहा था, ठीक है, और यानी कि एक मंथ तक, ठीक है। तो ये इसके अंदर बहुत सारी यानी कि ऑप्शंस मिल रहे हैं बढ़ती, ठीक है, यानी कि ये सस्ता पड़ रहा है BSNL का, तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं जो कि इसके प्लान्स कितने अच्छे अच्छे हैं। और आप इसकी एक साल का यहाँ पर जो प्लान लेते हैं तो वो है यहाँ पर 395 दिन का, ठीक है, और 365 दिन होते हैं, ये तो आप जानते हैं एक साल में, ठीक है। पर यहाँ पर जो कि इसमें लोकल आपको और एसटीडी कॉल्स मिलेगी, इसी के साथ में आपको 2 GB डेली डाटा मिलेगा और 2399 रुपये में, यानी कि 2400 रुपये में, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जैसे कि एयरटेल की, ठीक है, एयरटेल की हम कंपेरिजन यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर एयरटेल के हम प्लान चलिए ओपन कर लेते हैं फटाक से, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पर 28 दिन देखने को मिल गया है उसके मुकाबले, ठीक है, यानी कि यहाँ पर डे मुझे कितना डाटा मिलेगा, 1.5 यानी कि 1.5 GB डाटा मिलेगा 299 रुपये में, ठीक है, यानी कि मुझे यहाँ पर 50 रुपये बढ़ती पे करने पड़ रहे हैं, ठीक है। और आप यहाँ पर लास्ट वाला, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ जो लास्ट में है, अनलिमिटेड वाला, ठीक है, वन ईयर वाला, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो डाटा है वो मिल गया है हमें, यहाँ पर मिल गया है 2.5, ठीक है, और ये मिल गया है 365, और वो हमें मिल गया था 395, पर वहाँ पर जो डाटा है वो हमें 2 GB मिल गया है, पर इसमें हमें यानी कि 2.5 मिल गया है, ठीक है, पर वो हमें 2500 का पड़ रहा था, पर यहाँ पर हमें ये पड़ रहा है 4000 रुपये का, ठीक है, यानी कि 4000 रुपये का पड़ रहा है, तो 1500 रुपये तो हमें इसमें रिचार्ज में देने पड़ रहे हैं बढ़ती, और यहाँ पर हमें दिन भी कम मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कितना ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। इसी के साथ में आप इसमें हॉटस्टार चला सकते हैं अपने मोबाइल के ही अंदर, ठीक है, और इसी के साथ में इसके अंदर में क्या क्या है, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक करता हूँ SMS कॉल्स, और आप यहाँ पर इन चीज़ों का यहाँ पर लुत्फ़ उठा सकते हैं, जैसे कि हॉट स्टार है, अनलिमिटेड 5G डाटा आपको मिल जाएगा फ्री, हेलो टून्स मिल जाएगी, और आपको यानी कि आप म्यूजिक सुन सकते हैं बिंग की मदद से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये कुछ प्लान्स मिल रहे हैं, ठीक है, पर ये 4000 रुपये का, यानी कि 1500 रुपये बढ़ती हैं। इसी के साथ में मैं चलिए अब आपको यहाँ पर एक सलूशन बता देता हूँ, जिन लोगों के पास उन्हें पता नहीं है, ठीक है, कि आखिर यहाँ पर BSNL की हम सिम लेना चाहते हैं, फिर BSNL में अपनी सिम पोर्ट कराना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें ये पता नहीं है कि वहाँ पर नेटवर्क है कि नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा कि आपके एरिया में जियो का नेटवर्क आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अगर जियो का नेटवर्क आ रहा है वहाँ पर, ठीक है, तो आपको लमसम वहाँ पर आपको BSNL का नेटवर्क देखने को मिल जाएगा ग्रामीण क्षेत्र एरिया में। और कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर जियो का भी आ रहा है और BSNL का भी बहुत बेहतरीन आ रहा है, ठीक है, और कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ BSNL का भी आ रहा है और जो कि जियो का नहीं आ रहा है, ठीक है। पर मैं आपको एक लमसम बता रहा हूँ, क्योंकि जो कि BSNL कंपनी है, जो कि जियो जब लॉन्च हुई थी तो उसने अपने टावर खुद के नहीं लगवाए थे, ठीक है, तो वहाँ पर जो टावर थे वो BSNL के थे, पर इनके साथ कुछ यहाँ पर डील्स हुई थी जो कि उनके खुद के टावर्स थे BSNL के, तो उन्हीं के ऊपर जो जियो वाले सिस्टम थे वो वहाँ पर लगाए गए थे, ठीक है, और ये दुनिया भर में इतनी तेज़ी से एकदम नेटवर्क पकड़ लिया था, ठीक है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपने एयरटेल में और आप BSNL में आप समझ गए होंगे कि आखिर कितना ज़्यादा बड़ा अंतर है रिचार्ज को लेकर। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।